आप सभी को जय गुरुदेव एवं जय श्री माता रानी। जैसे कि आप सभी लोगों को विगत है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिव शक्ति साधना संघ द्वारा आयोजित 15 और 16 अक्टूबर दशहरा दिवाली 2024 स्पेशल जो है हरिद्वार तृतीय सारिणी साधना शिविर वो लगने जा रहा है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस ऑडियो में दी जाएगी। इस शिविर का टाइटल होगा शिविर एक और लाभ, शिविर एक लाभ अनेक। इसमें क्या होगा, 15 तारीख को क्या होगा, 16 तारीख को क्या होगा, क्या शेड्यूल होगा, वो सारी जानकारी आपको विस्तृत रूप में दी जाएगी। फर्स्ट डे यानी कि 15 अक्टूबर को जो कैंप के जो इवेंट्स होंगे, क्या क्या होगा प्रथम दिवस में, वो आपको बताया जाएगा। प्रथम दिवस जो स्पेशल शिविर होगा 15 तारीख का, उसमें परम पूज्य सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद जी का भव्य पूजन होगा। उसके बाद पतित पावनी माता गंगा का विशेष पूजन होगा। उसके बाद इवेंट नंबर 1 जो होगा वो होगा निशुल्क फेस टू फेस पर्सनल मीटिंग यानी प्रश्न और उत्तर। आपके प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर मैं और रवीश जी आपको मिलकर देंगे। इसके बाद जो है, जैसे कि आप सभी लोगों को विगत है कि समय के अभाव के कारण हम लोग आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं, है ना। और इसका जो पर्सनल मीटिंग का जो शुल्क था वो भी करीब 31,000 रुपये के आसपास था, तो वो भी इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ये निःशुल्क रहेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको पूज्य गुरुजनों के अपने सामने पूरा 1 घंटा समय बिताने को मिलेगा, जिसमें आप सभी अपने व्यक्तिगत पारलौकिक भौतिक शारीरिक समस्याओं का निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकेंगे। और दशहरा दिवाली के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तांत्रिक पर्व काल पर पूज्य गुरुजनों के सानिध्य में अपने मन मस्तिष्क के किसी भी प्रश्न जिज्ञासा समस्या को उनके सेमुख के समक्ष रख सकते हैं और उनका तुरंत समाधान भी पा सकते हैं पूज्य सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। आमने सामने निजी वार्तालाप मतलब पर्सनल मीटिंग करने का ये आपके पास गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर रहेगा। इसके बाद इवेंट नंबर 2, भयंकर से भयंकर तंत्र बाधा से स्वयं मुक्त होना। प्रचंड तंत्र बाधा निवारण क्रिया जो शत्रु के द्वारा आपके ऊपर की गई होती है, ठीक है, बड़ी से बड़ी भी तंत्र बाधा को आप एक झटके में हटा सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य दिनों में इसका शुल्क रहता है 51,000 रुपये, ये भी आप लोगों के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, कोई आपको पैसा नहीं देना। इवेंट नंबर 3 क्या होगा, भयंकर से भयंकर जो है तंत्र बाधा से अपने परिवार के सदस्यों को मुक्त कराना, अर्थात गुरुजनों से दूसरों के तंत्रकाट को करना सीखना। इवेंट नंबर 2 में आपको तंत्रकाट करना बताया जाएगा, इवेंट नंबर 3 में आप अपने परिवार की सेफ्टी किस प्रकार से कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। इवेंट नंबर 4, शिव शक्ति गुप्त सहज ध्यान योग। बहुत सारे साधकों के प्रश्न आते हैं कि उनको ध्यान करना नहीं आता, ध्यान किस तरीके से किया जाना है, किस तरीके से नहीं किया जाना है, तो ये वो चीज़ है। इसमें जितने भी सभी नवीन साधक हैं या सामान्य गृहस्थ पूजा पाठी वाले व्यक्ति अथवा तांत्रिकों के लिए शीघ्र गहरे ध्यान की अवस्था में जाने की जो अत्यंत सरल और सुगम विधि है, वो पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से जो चमत्कारिक विधि है वो आप सभी लोगों को बतलाई जाएगी। इसके बाद क्या है, इवेंट नंबर 5, सप्त चक्र कुंडली शुद्धिकरण। जैसा कि मैं अपने हर बार लाइव में या और वीडियो में बताता हूँ कि एक साधक के लिए कुंडलिनी शक्ति का शुद्धिकरण कितना मायने रखता है, तो वही है, दूसरे के द्वारा भेजी गई बड़ी नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों अथवा स्वयं से आई हुई भारी नकारात्मक अथवा पूर्व जन्म के गंभीर दोषों या बुरे पाप कर्मों के कारण हमारे जो सूक्ष्म शरीर होते हैं उसमें उपस्थित जो 7 चक्रों की जो ऊर्जा होती है वो असंतुलित हो जाती है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो पूज्य सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी संतुलित की जाएंगी, शुद्ध की जाएंगी। इवेंट नंबर 6 क्या रहेगा आपका, ये होगा सप्तचक्र कुंडली जागरण। क्योंकि जब कुंडली चक्र का शुद्धिकरण होता है उसके बाद की जो क्रिया होती है वो होती है जागरण, अर्थात उसको जगा देना। तो ये 15 तारीख का जो इवेंट होगा उनमें ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी 15 तारीख के इवेंट में। अब शिविर में संपन्न कराई जाने वाली जो साधनाएं होंगी, दिव्यतम एवं अलौकिक साधनाएं, उनमें कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली होगी पीर बुदूसा बाल बच्चा हाजरा साधना, अर्थात आप ये साधना सिद्ध करके आपके पास कोई भी आपके घर में लड़की हो या लड़का हो, ठीक है,
सात से बारह तेरह साल चौदह साल तक का उस बच्चे पे हाजरात लगा के आप अपने प्रश्न का कोई भी उत्तर उस बच्चे से पूछ सकते हैं। बच्चे को सब दिखता है, आप अपने पूर्वजों से भी बात कर सकते हैं, किसी भी शक्ति को देख सकते हैं या फिर गड़ा धन है वो भी सारा कुछ आप कर, मतलब जो भी आपका मन हो वो कर सकते हैं। दूसरा है आपका धंधा रति प्रिय यक्षिणी साधना। ये क्या होती है धंधा यति प्रिय जो यक्षिणी साधना है, इसमें आपका ये होता है कि जो बहुत सारे साधक यक्षिणी साधना करना चाहते थे, ये धन के साथ साथ रति क्रिया में भी आपका सहयोग करती हैं, प्रेम का या मित्र के रूप में सिद्ध होती हैं, ठीक है। तीसरा होगा आपके तिलोत्तमा अप्सरा साधना, ये भी प्रेम का और मित्र के रूप में सिद्ध होती हैं। चौथा होगा बाबा गंगाराम अघोरी की जी की साधना, पाँचवा वीर कालिया जिनकी साधना, छः सुलेमानी लाल परी की साधना। उक्त वर्णित साधनाओं में से प्रत्येक व्यक्ति अपने मनपसंद के सिर्फ और सिर्फ दो सामने साधनाएं पूज्य गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहते हुए संपन्न कर सकता है। दो से अधिक साधनाएं किसी को भी किसी भी कीमत पर नहीं कराई जाएंगी। तो ये था 15 तारीख का आपका शेड्यूल। आइए अब बात करते हैं द्वितीय दिवस यानी कि 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर में आपको जो स्पेशल जो चीज़ें कराई जाएंगी वो उसमें आपका वर्णन रहेगा। इसमें आपको 16 तारीख की रात्रि को जो लोग सुलेमानी लाल परी प्रथम चरण का आजीवन ट्रांसफर लेने वाले हैं वो लोग, जिसका फीस है 31,000 रुपये, द्वितीय चरण का 51,000 रुपये, वैसे ही वीर कालिया जिन का 31 और वीर कालिया जिन द्वितीय चरण 51। बट्टा महाराज जो तिलस्मी सिल्वर पत्थर हैं जो कि हाया नाम में जवाब देते हैं, जो कि एक तरीके से पूर्ण रूप से प्रकट सिद्धि है। आज के समय में ये सिद्धि होना हर एक व्यक्ति के पास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार आप लोग देखते हैं कि जब भी हम अपने घर से कोई भी काम को लेकर निकलते हैं हमें पता ही नहीं होता वो काम सिद्ध होना है कि नहीं होना है, बट ऐसे में बट्टा महाराज जी की सिद्धि आपको बता सकती है कि हाँ आपका काम होगा या नहीं होगा। सपोज करिए आपके पास कोई आपका फ्रेंड या मित्र पैसा मांगने आता है, बोलता है कि हाँ मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन अमूमन क्या होता है कि वो पैसा फंस जाता है। अगर आपके पास बट्टा महाराज जी की सिद्धि होगी तो आप पहले ही पूछ सकते हैं उनसे कि ये व्यक्ति पैसे वापस देगा कि नहीं देगा। अगर वो देते हैं अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं सही में तो आप उसको पैसा दे दीजिए, क्योंकि वो वापस कर देगा, अन्यथा की स्थिति में ना दिए। तो बट्टा महाराज जी अपने आप में एक बहुत ही अलौकिक सिद्धि है और इसमें जो शुल्क है मात्र 15,000 रुपये, ये आजीवन ट्रांसफर है आपका, ठीक है। एक बार लेने के बाद आपको जीवन में फिर दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं। इसमें आधा शुल्क आप पहले दे सकते हैं, आधा ट्रांसफर के सामने बाद में संतुष्ट होने के बाद, ठीक है। सामान्य दिनों में जो द्वितीय चरण वीर काली जिनका ट्रांसफर है वो 3,00,000 रुपये के आसपास है और सुलेमानी का 5,00,000। तो ये इसमें इस बार हम हमारे जो प्रिय साधक लोग हैं उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, चीज़ों को समझ सकें। रजिस्ट्रेशन ओपन जो होंगे वो होंगे 25 तारीख से ओपन हो चुके हैं और 5 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ठीक है। दशहरा एवं दिवाली के मध्य जो भी लगने वाले 2 दिवसीय सानिध्य साधना शिविर में भाग लेने वाले जो भी महिला और पुरुष हैं 5 अक्टूबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से लेके और आपका 5 अक्टूबर तक खुले रहेंगे। इच्छुक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो संस्थान का नंबर है 9458165039 वाले नंबर पर संपर्क करें और अपनी आवश्यक डिटेल जिसमें आपके आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटो, प्राइवेसी के लिए आधार कार्ड का नंबर आप छिपा सकते हैं, हमें आपके आधार कार्ड के नंबर की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस वजह से आप अपने आधार कार्ड का नंबर छिपा कर भी भेज सकते हैं, और अपना एक नवीनतम साइज का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो करंट एड्रेस के साथ, ठीक है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को शिविर में आकर सानिध्य साधना नहीं करनी है ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसफर लेना, ये जानकारी उनके लिए, ये बहुत ही अच्छी सुविधा आप सभी लोगों के लिए की जा रही है। जो लोग ट्रांसफर नहीं लेना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, लेकिन पूज्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं शिविर में आके, तो ये जो सुविधा रहेगी ये क्या रहेगी इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2 दिवसीय जो शिविर पंजीकरण प्रक्रिया है इसमें सेवाएं और सुविधाएं क्या रहेंगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को बाबा गंगाराम अघोरी, धंधा रति प्रिया, तिलोत्तमा, वीरकालिया, सुलेमानी, पीर बदूषा, बाल हाजरात की साधना नहीं करनी है अथवा बट्टा महाराज जी की भी सिद्धि नहीं लेनी है, यानी जो व्यक्ति केवल सानिध्य शिविर में भाग लेना चाहते हैं और पूज्य सद्गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोगों से मिलना चाहते हैं, 1 घंटे आमने सामने व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत पारलौकिक भौतिक शारीरिक समस्याओं का निःशुल्क समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, या बट्टा महाराज जी की पृथक शक्ति से हाँ या ना में आप अपने जवाब लेना चाहते हैं, 3 से 5 मिनिमम 3 प्रश्न और मैक्सिमम 5 प्रश्नों के उत्तर आप बट्टा महाराज जी से ले सकते हैं,
अपनी निःशुल्क तंत्रकाट भी करवाना चाहते हैं और शिव शक्ति गुप्त सहज ध्यान योग शब्द कुंड चुन जो है कुंडली शुद्धिकरण एवं जागरण। मैं ये समझा देता हूँ आपको सरल भाषा में, जो लोग हमसे केवल मिलना चाहते हैं अर्थात किसी भी साधना में भाग नहीं लेना चाहते तो वो लोग भी आ सकते हैं। आपको मैं और रवीश जी एक घंटा व्यक्तिगत समय देंगे जिनमें आप अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, और आप हाँ या ना में उत्तर लेना चाहें तो भट्टा महाराज जी से भी प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको निःशुल्क तंत्र काट हम करवाएंगे, ठीक है, जिसका आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। भट्टा महाराज जी से आप अपने 3 से 5 प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं, इसका आपका कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना है। शिव शक्ति जो गुप्त दहेज सहज ध्यान योग होगा वो भी आपको कराया जाएगा, इसका भी आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सप्त चक्र कुंडली शुद्धिकरण और जागरण की क्रिया कराई जाएगी, उसका भी आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए शिविर की इन सभी सेवाओं का जो भी शुल्क है, ठीक है, जो आपको क्रियाएं कराई जाएंगी इसका कोई भी आपसे शुल्क हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पर्सनल मीटिंग का जो शुल्क रहेगा 5100 रुपये रहेगा, प्लस 2000 रुपये आपका रहने का, एसी रूम का रहने का और खाने का और सामग्री का, जो भी आपको सामग्री दी जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे। तो ये आपका रहेगा शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा, कोई भी आपका नॉनवेज यहाँ उपलब्ध नहीं होगा, सात्विक भोजन होगा। इसमें आपको एक और सुविधा संस्थान दे रहा है, अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी कहीं भी होटल वोटल आप अपना ले सकते हैं, कोई भी संस्थान आपको बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। आप मात्र 5100 रुपये में हम मेरे से और अभी जी से आप अपने मिलके, ठीक है, अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं, भट्टा महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हैं, निःशुल्क तंत्रकाट भी करवा सकते हैं, शिव शक्ति गुप्त ध्यान योग ये भी निःशुल्क होगा, सब चक्र कुंडली शुद्धिकरण ये भी निःशुल्क होगा और कुंडली जागरण ये भी निःशुल्क होगा, ठीक है। तो टोटल आपका 5100 प्लस 2000 रुपये, ये आपका टोटल 7100 रुपये रहेगा अगर संस्थान में रहना चाहते हैं। अगर आप कहीं और लेके रूम रहना चाहते हैं तो केवल आप 5100 रुपये संस्थान में जमा करके अपॉइंटमेंट अपना ले सकते हैं। ये जो सुविधा है ये सबसे अच्छी सुविधा उन लोगों के लिए दी गई थी जो बहुत दिनों से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। तो आशा करता हूँ इसमें आपको जो भी होगा ड्रेस कोड टाइमिंग वगैरह वो सारा कुछ आपको भेज दिया जाएगा। अब आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या मिलेगा वो मैं आप सभी लोगों के बताता हूँ। ये सारे लोगों के लिए होगा, जो लोग पर्सनल मीटिंग करने आएंगे उन लोगों के लिए भी आपको सुविधा रहेगी, जो लोग संस्थान में शिविर में भाग लेने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है। इसमें आपको गुरु रहस्यमाला जीवन में सच्चे वास्तविक गुरु और मार्गदर्शक का बोध कराने के लिए गुरु रहस्यमाला आपको दी जाएगी, पूर्ण संस्कारित एवं सिद्ध की हुई परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, जिससे कि उनका हर समय आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, और पूज्य सद्गुरुदेव जी का संपूर्ण पूजन हेतु जो उनकी नित्य कर्म पुस्तिकाएं जो उनके हाथों से लिखी गई है वो आपको निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। ये आपको निःशुल्क दी जाएगी, इससे आपका कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जो आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। तो जो लोग भी सानिध्य साधना शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो वो सानिध्य साधना शिविर में भाग ले सकते हैं, जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो लोग ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। ट्रांसफ़र का शुल्क सभी को बता दिया गया है, और जो सानिध्य करना चाहते हैं सानिध्य जो साधना है उसका जो शुल्क है 11000 रुपये रहेगा, ठीक है, प्लस 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा आपके एसी रूम का रहने का, दो दिन का रहना प्लस खाना और सामग्री वगैरह, ठीक है, ये टोटल आपको 13000 रुपये टोटल आपका पड़ेगा रहने का और खाने का। तो जो लोग भी शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साधनाएं मैंने आपको बताई दी, दंडारति प्रिया, तिलोत्तमा, गंगारामा गोरी, वीर काली जैन, सुलेमानी और पीर विदुषा, इन सारी साधना को जो शुल्क है मात्र 11000 रुपये रहेगा। और जो भी आप इसके अलावा कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो संस्थान के 94 वाले नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं मैसेज के द्वारा। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई होंगी।